शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी परसेंट लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर हैं वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज वेज रिकी बल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु हिस्की ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म प्लेट का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनोकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजवाथी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एट्टी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वही दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन है अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं यूटूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूटूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइज अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी यूटूब पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस स्प्लिन को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो जबरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों की पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटिसन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने की विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चहेते सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी ये मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे 80 परसेंट लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीलियड कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनाकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सनी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिलंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वही दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन है अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइज अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी यूटूब पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल एक कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चना होता है दरअसल शाहरुख खान होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो जबरदस्त फ़ैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव खुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिबा कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने की वाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टन आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी ये मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी लेडीज वेज रिकी बहल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीलेट कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनाकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिलंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वही दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन है अब मैन सवाल की तरफ बढ़ता है कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फ़िल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइज अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी यूटूब पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस स्प्लिन को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल व शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपरस्टार स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शकल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपर स्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटिसन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार से मिलने के से, की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने की वाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चहेते सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपरस्टार आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इसे वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीलियड का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिल गुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो 85 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 188 करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी वी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये हैं अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी YouTube पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपर स्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार स्टार से मिलने के से, यानि की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपर स्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इसे वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीरियड का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिल गुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्को सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फ़ाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइज़ अस्सी रुपये हैं अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी YouTube पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस स्प्लिन को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपर जैसा मानता है क्योंकि यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग ख़ान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपर शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चलते सुपरस्टार स्टार से मिलने से, यानि की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चहेते सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है वो कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपरस्टार आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी ये मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई एम है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु हिस्कीन ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म प्लेट का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फ़िल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपए है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी वी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल एक कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुखानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव खुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार से मिलने से, की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहें तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से वरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी हैं, और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म प्लेटकास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एट्टी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइज अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुखानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो जबरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव खुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटिसन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार स्टार से मिलने के से, की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चहेते सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टन आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी ये मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनके ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या यह मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से वरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई एम है वहाँ पर 10 में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे 80 परसेंट लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो मनीष शर्मा हैं अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु की स्कीम ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म लड़का के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनाकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सनी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल ववंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो 85 फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 188 करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वही दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन YouTube पर भी ये मूवी है आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं यूटूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवनटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूटूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइज अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात की क्या ये मूवी यूटूब पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस स्प्लिन को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो जबरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपरस्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपर स्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने की विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टन आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इसे वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी लेडीज वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीलेट कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनाकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सनी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन है अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी यूटूब पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस स्प्लिन को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल व शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो जबरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपरस्टार स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शकल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपर स्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीसन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चहेते सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपरस्टार आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इसे वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीलियड का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिल गुनौकर वसुलचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सनी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ता है कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फ़ाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी वी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी YouTube पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपरस्टार स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार स्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने की विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चहेते सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपरस्टार आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इसे वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु की ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीलियड का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्को सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो 85 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 188 करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन है अब मैन सवाल की तरफ बढ़ता है कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फ़िल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपयी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी वी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी YouTube पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपर जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल खुद हद तक कुछ हद तक सुपर शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चलते सुपरस्टार स्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने की गौर में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजारने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी ये मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से वरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई एम है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु हिस्कीन ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म प्लेट के उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्को सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो 85 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 188 करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन है अब मैन सवाल की तरफ बढ़ता है कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूटूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फ़िल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपए है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी वी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी YouTube पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस स्प्लिन को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव खुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटिसन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चलते सुपरस्टार से मिलने से, की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी ये मूवी अवेलेबल है तो आप चाहें तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ इन्हीं के कमाल की मूवी फैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से वरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु हिस्कीन ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म प्लेट के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एट्टी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वही दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूटूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फ़िल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइज अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी YouTube पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो जबरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटिसन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपर स्टार से मिलने के से, की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने की गौर में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टन आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी ये मूवी अवेलेबल है तो आप चाहें तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से वरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु हिस्कीन ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म की का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिल गुनौकर वसुलचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सनी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वही दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइज अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी YouTube पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खान ही होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो जबरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव खुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटिसन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार से मिलने के से, यानि की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपर स्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर स्टार आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म की लेडकास्ट उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिल गुनौकर वसुलचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो 85 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 188 करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन है अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो स्प्लिन को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो जबरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपरस्टार स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल खुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपरस्टार आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इसे वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी हैं, और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीलियड का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिल गुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो 85 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 188 करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी वी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये हैं अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपर स्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार स्टार से मिलने के से, यानि की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपर स्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है वो कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इसे वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीरियड का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिल गुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्को सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फ़िल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी वी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये हैं अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी YouTube पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस स्प्लिन को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग ख़ान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपर शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चलते सुपरस्टार स्टार से मिलने से, यानि की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चहेते सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है वो कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपरस्टार आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी ये मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई एम है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु हिस्कीन ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म प्लेट का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्को सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वही दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फ़िल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपए है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी वी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल एक कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुखानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव खुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार से मिलने से, की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहें तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी हैं, और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म प्लेटकास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सी गुप्ता भरत मिस्त्री राजवाथी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन है अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइज अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुखानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो जबरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव खुद को सुपरस्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपर स्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटिसन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार से मिलने के से, की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टन आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से वरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और बाईस मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे 80 परसेंट लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीलेट का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिल गुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सनी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वही दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन है अब मैन सवाल की तरफ बढ़ता है कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन YouTube पर भी ये मूवी है आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं YouTube पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल एक कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खान होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो जबरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपर स्टार जैसा मानता है क्योंकि यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीसन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपर स्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने की विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टन आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीलियड का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिल गुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ता है कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी यूटूब पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी यूटूब पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस स्प्लिन को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल व शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो जबरदस्त फैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपरस्टार स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शकल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपर स्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटिसन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी है वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चहेते सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपरस्टार आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इसे वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु स्कीम ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीलियड का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिल गुनौकर वसुलचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो एटी फाइव करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का वन एटी एट करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फिल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फ़ाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी वी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी YouTube पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपरस्टार स्टार जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल ख़ुद हद तक कुछ हद तक सुपर शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कंपटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चहेते सुपरस्टार स्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने की विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चहेते सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपरस्टार आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इसे वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई एम है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर तो इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु हिस्कीन ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म पीलियड का उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्को सियानी गुप्ता भरत मिस्त्री राजी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो 85 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 188 करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं अब मैन सवाल की तरफ बढ़ता है कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फ़िल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपी है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी वी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी YouTube पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो इस फिल्म को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव ख़ुद को सुपर जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल खुद हद तक कुछ हद तक सुपर शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर स्टार शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटिसन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमा साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चलते सुपरस्टार स्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने की गौर में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजारने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी ये मूवी अवेलेबल है तो आप चाहे तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं शाहरुख खान ने वैसे तो बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है लेकिन एक इनकी ऐसी मूवी है जो कि काफ़ी डिफरेंट है जहाँ पर इन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है जी हाँ आज़मिनी के कमाल की मूवी फ़ैन के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह फ़िल्म आपको मिलेंगी क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं इन सारी बातों के बारे में हम इसे वीडियो में चर्चा करेंगे तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोग इसे हिंदी में देख सके फैन जो कि 2016 में रिलीज़ की गई बॉलीवुड की थ्रिलर एक्शन से भरी फिल्म है जिसका रन टाइम दो घंटे और 22 मिनट का है वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को जो आई एम है वहाँ पर दस में से लगभग सात की रेटिंग हासिल हुई है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर इसे एटी लोगों ने लाइक किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की जो डायरेक्टर है वो मनीष शर्मा है अगर इनकी बात की जाए उनके जो करियर की बात की जाए तो बॉलीवुड में इन्होंने जो है बहुत सारे कमाल की मूवीज़ दे रखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो काम कर चुके हैं जैसे कि सुई धागा शुद्ध देसी रोमांस लेडीज़ वेज रिकी बहाल बैंड बाजा बारा टाइगर थ्री मेरी प्यारी बिंदु की स्कीन ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें दोस्तों जो है काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है अगर हम फिल्म प्लेट के उसके बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आप सभी को शाहरुख खान श्रिया पिलगुनौकर वसुचाडी सोजा दीपिका अमीन योगेंद्रा टिक्कू सी गुप्ता भरत मिस्त्री राजथी इसके अलावा ताज गिल वंशिया कपूर मनोज आनंद वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन किरदार आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन जो यहाँ पर एक्टिंग है वो भाई साहब शाहरुख खान की है जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार निभाया है वो वाकई बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जो बजट था वो 85 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 188 करोड़ का हुआ था मतलब कि ये मूवी जो है एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती है क्योंकि बजट से ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी का हुआ था वहीं दोस्तों अगर गाने की बात करें तो फिल्म के अंदर लगभग आपको जो है वो आठ से दस गाने देखने को मिलते हैं और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन है अब मैन सवाल की तरफ बढ़ता है कि मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी तो अगर दोस्तों आप लोग इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो मूवी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है लेकिन यूट्यूब पर भी ये मूवी है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यूटूब पर ही मूवी आपको रेंट पर मिलेंगी और इस फ़िल्म की जो रेंट प्राइस है वो सेवेंटी फाइव रुपए है तो अगर आप यूट्यूब पर रेंट पर लेकर देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इसके अलावा एप्पल टी वी पर भी मूवी अवेलेबल है और वहाँ पर इसकी रेंट प्राइस अस्सी रुपये है अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कहानी इस फिल्म के काफ़ी बेहतरीन है जो कि आपको एंड तक बांधे रखती है रही बात कि क्या ये मूवी YouTube पर है फ्री में या नहीं तो दोस्तों ये मूवी YouTube पर आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेंगी इसके लिए आप सभी को जो है वो स्प्लिन को या तो रेंट पर लेकर देखना पड़ेगा या फिर आपको जो है कोई और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा दरअसल कहानी होती है दिल्ली के कॉलोनी की जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव चचना होता है दरअसल शाहरुख खानी होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने दो रोल निभाए हैं और बचपन से ही बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्यन खन्ना यानी कि शाहरुख खान के वो ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं रियल लाइफ में गौरव खुद को सुपर जैसा मानता है क्योंकि तो यहाँ पर वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है आर्यन के प्रति जो गौरव है इनकी दीवानगी का अलग ही यहाँ पर आलम होता है और उसका सारा रूम किंग खान की फिल्मों के पोस्टर से भरा होता है दूसरी ओर गौरव जो गौरव चन्ना है इनकी शक्ल हद तक कुछ हद तक सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिलती है और ऐसे में गौरव एक दिन शहर में होने वाले एक कॉम्पटिसन में जाता है जहाँ पर अपने चेहरे सुपर शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करके कॉम्पटीशन का विनर बन जाता है गौरव को विनर के तौर पर एक ट्रॉफी के साथ मोटी रकम मिलती है और विनर की जो ट्रॉफी वो हासिल करने के बाद गौरव अब मुंबई जाकर आर्यन से मिलना चाहता है दिल्ली में गौरव के पापा यानी कि योगेंद्र टिकू का यहाँ पर जम जमाया साहिब कैफे का बिजनेस होता है लेकिन गौरव अपने इस फैमिली बिजनेस को छोड़कर किसी भी तरह जो आर्यन तक पहुंचना चाहता है और अब जब गौरव के पास सब कुछ है और अपने चलते सुपरस्टार से मिलने की वजह से यानी कि विनर ट्रॉफी भी है तो वो राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई पहुँच उसी होटल में उसी कमरा नंबर दो में ठहरता है जहाँ दिल्ली से आने वाले जो शाहरुख खान है वो पहली बार ठहरे थे और इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि आर्यन इंडस्ट्री में एक साथी को थप्पड़ मारने के विवाद में फंस जाता है वहीं गौरव लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे सुपरस्टार से मिल नहीं पा रहा है मुंबई के अंदर जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद आर्यन से मिलने में और नाकाम रहने की वजह से गौरव को आर्यन से नफरत हो जाती है और यही इस फिल्म की जो कहानी है जहाँ पर नया टर्न आता है और जब गौरव चन्ना का मकसद यही है कि उसका सुपर आर्यन उससे माफ़ी मांगे यहाँ पर एक बार फिर से शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो जो है वो एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जान डाल देते हैं जिस तरह से इन्होंने अपने फ़ैन का रोल निभाया है वो वाकई बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी मूवी शायद ही आपको और देखने को मिले बॉलीवुड में इस कमाल की मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर इंजॉय करिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी मूवी अवेलेबल है तो आप चाहें तो वहाँ पर भी इस मूवी को देख सकते हैं